नमस्कार, अभी हमें जंतर मंतर पर यहाँ विश्व शक्ति पार्टी धरना दिए हुए है। ये पार्टी है और लगातार ये अपने धरना करके अपने कैंडिडेट की घोषणा कर रही है। आइए, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अभिनव पांडे जी। सर, आप इस पार्टी से जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे क्या कुछ मुद्दे हैं इस पार्टी को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सभी भाई बहनों को मैं करना चाहूँगा। इस पार्टी का मेन मुद्दा है आरक्षण जी, और जो मोदी सरकार के द्वारा अनायास बढ़ाया गया जीएसटी के द्वारा टैक्सेस है और अदर टैक्सेस है, उसका मेन मुद्दा है। पार्टी की विचारधारा काफ़ी अच्छी है, बींग वर्किंग एडवोकेट हूँ मैं, उसके बाद भी इस पार्टी से जुड़ने का मेरा मेन मुद्दा यही रहा है कि पार्टी की जो विचारधारा है और अच्छी विचारधारा है, उसको आज इस मंच से लेकर के हम आगे की जो अग्रसर हो रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अभिनव जी के बता रहे थे, खासकर पार्टी अपनी विचारधारा पर काम कर रही है। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन ऑडियो है, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे। तरुण कोठारी जी, विश्व शक्ति पार्टी के हैं, हम इनसे बात करते हैं कि आखिर किस मुद्दे को लेकर ये आप किस मुद्दे को लेकर यहाँ आप धरना दे रहे हैं। हाँ जी, किस मुद्दे को लेकर आप धरना दे रहे हैं? हमारा धरना जो अनशन है, ST SC एट्रोसिटी एक्ट जो गवर्नमेंट ने दोबारा पास किया है, उस कानून के खिलाफ है जी। इस कानून को निरस्त कराना है, निरस्त कराने के लिए हम लोग ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कैंडिडेट की भी घोषणा की है? हाँ जी, हाँ जी, आज हमने 12 कैंडिडेट्स की और घोषणा की है। उसके पहले हम 3 बार घोषणा कर चुके हैं और कुल मिला के 50 की घोषणा कर चुके हैं और अभी मिला करके 62 हो चुके हैं। 62 लोकसभा में आप? हाँ जी, हाँ जी, लोकसभा के अंदर 62 कैंडिडेट्स की घोषणा कुल हो चुकी है। आज 12 की हुई है, पहले 50 की हुई है और हम लोकसभा के सारी 543 सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। फिर भी किस राज्यों में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होगा या सब पर है, पूरे देश में? पूरे देश में बराबर फोकस। क्या कुछ मुद्दे हैं आपके? हमारे मुद्दे हैं ST SC एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त किया जाए, आरक्षण को समाप्त किया जाए, राजनीतिक आरक्षण समाप्त किया जाए, आर्थिक आरक्षण समाप्त किया जाए। इसके अलावा जो देश की बाकी समस्या है, जो आर्थिक नीति है, उसके अंदर बदलाव होना चाहिए। क्या आपको लगता है, सरकार जिस प्रकार से कार्य कर रही है, खासकर राम मंदिर मुद्दे उठ रहे हैं, तो ऐसे में कोई नई पार्टी आती है तो अपने अस्तित्व बचा पाती है? बिल्कुल बचा सकती है। ये सरकार राम मंदिर के नाम पर सिर्फ झूठ बोल रही है। हमारी पार्टी सत्ता में आने के अंदर अंदर 56 दिन के अंदर अंदर राम मंदिर निर्माण प्रारंभ कर देगी। बिल्कुल, इन लोगों ने अभी तक टाइम नहीं बताया कब शुरू करेंगे, हम टाइम बता रहे हैं। 2019 में सत्ता में आने के 56 दिन के अंदर अंदर राम मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। क्या कुछ कार्य योजना होगा, कैसे करेंगे आप? नहीं, ये हम नहीं बता सकते। क्या आपको लगता है कि हर एक राज्यों में जाके कुछ ऐसा आंदोलन कुछ करना? बिल्कुल, इस आज के आंदोलन को यदि हमारी बात सरकार नहीं मानती है तो प्रत्येक राज्य के मुख्यालय पे, उसके बाद प्रत्येक जिला के मुख्यालय पे इसी प्रकार से धरने अनशन किए जाएंगे। आपने जो कैंडिडेट को चुनाव किया है, क्या कुछ क्राइटेरिया रखा है? क्राइटेरिया रखा है, वो व्यक्ति आरक्षण के पूरी तरह से खिलाफ होना चाहिए, ST SC एक्ट्रेसिटी एक्ट के पूरी तरह से खिलाफ होना चाहिए, देशभक्त होना चाहिए, राष्ट्र के लिए काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अपने व्यक्तिगत और निजी स्वार्थ के लिए काम करने का उसका उद्देश्य नहीं हो, ये हमने क्राइटेरिया। क्या आपको लगता है कि लोग आपसे क्यों जुड़े? इस देश की जनता बहुत परेशान है, आप किसी को भी देख लीजिए, देश की आर्थिक स्थिति कहाँ जा रही है इस देश की। जिस 1947 में ₹1 बराबर था, मोदी जी आए, मोदी जी बोल रहे थे कि डॉलर ऊपर उठता है, रुपया गिरता तो देश की इज्जत गिरती है। ये मोदी जी के स्टेटमेंट है, ये सुषमा जी के स्टेटमेंट है। आप देखिए, अगर देश की इज्जत गिरती तो आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी आपने एक बयान सुना होगा सुषमा जी का, वो कह रही कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। बात समझ रहे हैं, ये एक इंडिकेशन है, ये हमारी वजह से हुआ है, ये हमने किया है। उनको पता है कि एक भी सीट नहीं आएगी, क्यों लड़ेगी इलेक्शन वो? क्या बात है। क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो जनता में भी ऐसा उबाल है? जनता के अंदर एक अंडर करेंट है, एक आंतरिक प्रवाह चल रहा है, उस आंतरिक प्रवाह को बस एक माचिस की जरूरत है जो जनता कभी भी किसी वक्त आ सकती है। तो क्या महागठबंधन भी बन रहा है इन लोगों के खिलाफ, क्या उधर भी आपकी तरफ कोई संकेत है? गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हमारी पार्टी सभी 543 लोकसभा चुनाव सीटों से लड़ेगी। क्या कुछ लगता है कि जैसे महिलाओं को देते हैं आरक्षण सारे पार्टियों वाले की, हम इतने महिलाओं को देंगे, कुछ ऐसा आपने भी कुछ कह सकते? हमारी पार्टी पूरी तरह से आरक्षण के खिलाफ है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर योग्यता है तो आगे आए, नहीं है तो अपना काम करे दूसरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद है जी। इसके वो विरोध हैं और इसीलिए वो पार्टी बनाए हैं और आगे आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन सुभाष साथ मानवेंद्र, नमस्कार।